ये नदी देवोबा की फेवरेट नदी है जो कि कोटा में स्थित है। ये चंबल नदी है जो कि इसमें देवोबाई मछलियों को दान करता था। और ये देख सकते हो कितनी बड़ी नदी है, इसमें देवोबाई मछलियों को दान करता था। और अब तो देवोबाई जाने के बाद में कौन इस मछलियों को दाना नाखता होगा। देख ही सकते हो कितनी बड़ी नदी है। देवोबाई इस गाँव का रहने वाला है। दोस्तों यार ये किला कोटा में स्थित है, ये देवोबाई के गांव में स्थित है। और देख सकते हो कितना बड़ा किला है, काफी पुराना, हजारों साल पुराना किला है। और ये देख सकते हो ये देवोबाई का गांव है जो कि बहुत सारी घर है और बस्तियां है, ये देख ही सकते हो। सर हम पहुंच चुके हैं कोटा बस स्टैंड जो कि ये देख सकते हो सारी बसें खड़ी है। और दोस्तों यार अंदर का व्यू भी मैं दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। और 15 तारीख को मीटिंग में यहाँ कहाँ गेट होंगे वो भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं। दोस्तों यार ये रही सारी बसें। दोस्तों यार यहाँ देवोबाई रोज आता था और चाय पी के जाता था, इस टपरी में चाय पी के जाता था देवोबाई रोज। दोस्तों यार देवोबाई का खुद का गांव है तो रोजाना आता था वो। दोस्तों यार किसी भी होटल पर जाकर पूछ लो देवोबाई का नाम चलता है, देवोबाई के नाम से सब जानते हैं कि देवोबाई कौन है। देवोबाई सबको बताए देवोबाई कितना बड़ा अच्छा आदमी था, महान आदमी था। दोस्तों यार देख सकते हो ये थाना है, कोटा में स्थित है। दोस्तों यार हम पहुंच चुके हैं नयापुर स्टेडियम जो कि यहाँ पर मीटिंग होगी 15 तारीख को। और ये पूरा बाल व्यू